गुलबर्गा शहर के न्यू रहमतनगर कॉलोनी चुन्नाभट्टी एरिया में मौजूद हलीमा पब्लिक स्कूल में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन स्कूल डायरेक्टर जनाब रुकनुद्दीन साहब और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ ने किया है। साइंस एग्जीबिशन में हलीमा पब्लिक स्कूल के सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर अपनी काबिलियत को जाहिर कर कई एक डिफरेंट मॉडल्स तैयार किए थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ने वाटर फाउंटेन, एटीएम मशीन, कूलर, टेबल फैन, स्पाइडर, नाइट लैंप, प्रोजेक्टर, 3D होलोग्राम, लावा लैंप, बबल मेकर, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, वैक्यूम क्लीनर, कार वाटर हीटर और एस्केलेटर के अलावा कई यूनिक मॉडल्स तैयार किए थे। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने अपने मॉडल्स की खासियत और इम्पोर्टेंस टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के सामने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स के मॉडल्स और एक्सप्लेनेशन को देख तमाम टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स की काबिलियत को सराहते हुए अप्रिसिएट किया है। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हलीमा स्कूल मक्का कॉलोनी में आज जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर ये एग्जीबिशन रखा गया है, बच्चों के एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि तालीम तो तालीम होती है लेकिन इसी के साथ साथ बच्चों को ये एक्टिविटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह हलीमा स्कूल के बच्चे ना बहुत एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किए हैं। मेरे को यहाँ पर बुला के बोलने का 2 मौका दिए हैं जो हलीमा स्कूल के प्रेसिडेंट और हेचम
ने मेरे को यहाँ पर बुला के बोलने का मौका दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास के बच्चे जो है अलग अलग से एक्टिविटी करे हैं, उसमें हिस्सा लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन पढ़ना आसान है, ये एक्टिविटी जो प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का सामना करना बच्चों के दिमाग का काम है। इसी के साथ मैं जगह लेती हूँ। जय हिंद। हलीमा इस्लामिक पब्लिक स्कूल मक्का कॉलोनी, ये जो एग्जीबिशन रखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया इसके साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। ये न्यू रहमत नगर में जो हलीमा पब्लिक इस्लामिक स्कूल जो बच्चे हैं अपने अपने क्लासों के साथ अपने अपने एक्टिवेट के बताने का जो एक कदम उठाए हैं सर, बच्चों में बहुत दिलचस्पी से बनाया गया। ये जो जितने भी बच्चे अपना एक्टिवेट जो जो कौन सो साइंसदान कब क्या ओपन करा है, कौन सा साइंसदान एटीएम का बनाए, ये जो सीढ़ियाँ इसके फैन वगैरह जो भी बने हुए हैं इलेक्ट्रिक चीज, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अलग अलग रूप से बच्चों ने बाखूबी अपना ट्रेड बताए हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर का और टीचरों का भी बहुत बड़ा सिखाने में योगदान रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये 2 अक्टूबर के मौके पे रखा गया है गांधी जयंती, उसके मौके पे ये चीज़ रखा गया है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसी होता रहा तो बच्चों में और दिलचस्पी आएगी, बच्चों में और खुशी होगी, करेंगे इससे ज़्यादा करके दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हलीमा इस्लामी पब्लिक स्कूल न्यू रहमतनगर, इस स्कूल के बच्चों में बहुत ही मेहनत है और इस एग्जीबिशन में बहुत ही मेहनत की है बच्चों ने। सबसे ज़्यादा सर और मैडम और पूरे स्टाफ की मेहनत है, जो मैडम और सर और पूरे टीचर्स जो संभालते हैं ये स्कूल के बच्चों को वाकई में संभालते हैं और बच्चों की वाकई में मेहनत है एग्जीबिशन में। और बच्चों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरह है और बच्चों का ये बहुत ही अच्छी तरह है पढ़ाई में, ना कि बोले बहुत कम है। और जो सर जो संभालते हैं ये स्कूल को वाकई में छोटे से लेकर बड़े बच्चों को वाकई में संभालते हैं और उनकी जो भी मजबूरी है समझते हैं, जो भी है पूरा करते हैं और वाकई में स्कूल है टीचर्स और सर के वाकई में थैंक यू करूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हलीमा इस्लामी पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को दीनी तालीम बहुत अच्छी मिल रही है, हमारे बच्चे हर टीचर में कामयाब हो रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे बुरे की तोहफे अच्छा फरमा रहे हैं, हमारे बच्चे इस्लामी स्कूल में आके हमारा अदब पैदा भी कर रहे हैं। हाँ, इस्लामी स्कूल अच्छे से बच्चों से ध्यान देते हैं, मैडम और टीचर बच्चों को नोटर नोट करते हैं। जजाकल्लाह खैर।